30-35 साल से हमें ये यहाँ पे सिर्फ नौजवानों के हाथों में गन था, उससे हमारी एक जनरेशन खत्म हो गई। और जब गन, अब धीरे धीरे गन कल्चर खत्म हो गया तो हमारे सामने अब ड्रग आ गया। हालांकि ये पहले ही हमारे रूट्स में आ चुका था, लेकिन हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हम यही आए दिन देखते थे कि हमारे बच्चों के हाथों में कंकर हैं, पत्थर हैं, वो पथराव करते हैं। तो हमारे लोग उसी में रहते थे कि ये पथराव कर रहे हैं और जहाद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के और हमारे लोगों ने, हमारे जो बड़े लोग थे, जो लीडर्स खुद को कहते हैं, उन्होंने हमारे नौजवानों के रगों में जो नशे की लत डाली है, उससे न वो घर के रहे न वो घाट के रहे। आज आए दिन आप देखते हैं कि बच्चे सड़कों पे मर रहे हैं। वो ऐसे नहीं मर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है उनको, उनको या ड्रग नहीं मिल रहा है या वो नशे की लत में ऐसे तबाह हो चुके हैं कि अब उनको बस मौत की आगोश में ही जाना हो रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इसके लिए लड़ना है, हर एक को लड़ना है। सिर्फ ये पुलिस का काम नहीं है, सिर्फ ये बॉर्डर सिक्योरिटी का फोर्स का काम नहीं, ये हम सबों का काम है कि हम इस नशे की लत को अपने इस सरजमीन से खत्म करें।